जी दोस्तों, आपसे मौजबाना गुजारिश है, एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों, कुछ दोस्तों के सवालात आए थे कि उस्ताद महमूद साहब से ये पता करके बताएं कि गर्मी में सबसे ज़्यादा कौन सा पर ज़्यादा उड़ता है, जेठ में कौन सा पर उड़ता है और अस्सू में या वसाख में कौन सा पर ज़्यादा उड़ता है। और दूसरा सवाल ये था, उस्ताद जी से दो सवाल करेंगे आज हम। दूसरा सवाल ये था कि गोल गेड़े का कबूतर कौन सा होता है और लंबे लंबा उड़ने वाला कबूतर कौन सा होता है। तो जनाब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी? कुछ हमारे दोस्तों के सवाल थे आपसे, तो वो आपसे ज़रा शेयर कर रहे थे। जी दोस्तों, उस्ताद जी से पहला सवाल ये है मेरा कि कबूतर गर्मी में कौन सा ज़्यादा उड़ता है, रस्सू में और वसाख में कौन सा ज़्यादा उड़ता है? जी उस्ताद जी, कबूतर बाजी में जो असल मसला है ना, असल वही कबूतर सर्दी में अस्सू में उड़ता, वही जेठ में उड़ता, वही मतलब वसाख में उड़ता। जी साहब मेहरबानी, पंजाबी जो दसो, मेरे व्यूअर पंजाबी समझते हैं। ठीक हो सर, ठीक हो गया। मैं जेड़े कबूतर ने ना, तुम गर्मी च भी उड़ाने सकते हो, वसाख च भी उड़ा सकते, जेड़े सिर्फ अपनी देखभाल होती है, मौसम के नाल दाना पानी करना पैंता, फिर कबूतर बढ़ता, पता लगता है कबूतर किसने जोगा है। अपने कोई कबूतर ऐसे होंगे सिर्फ गर्मी च उड़ना चाहते ने, जो कबूतर बहुत अच्छे होंगे ने, लम्मी हड्डी वाले होंगे ने, खड़ी तख्ती वाले, और जो गर्मी च अच्छे उड़ते, गर्मी सख्त गर्मी जेठ से ज्यादातर गर्मी संभाल करो जो लंबे पर कबूतर बाजार च उड़ा दें फिर मतलब दिन छोटा है। सर जी, दिन छोटा तो है, उड़ा के इन्ने घंटे उड़ाना कबूतर यही तो फन है, उस हिसाब से चलना पैंता। कई कबूतर इन बहुत ही उड़ते हैं, गर्मी च बहुत ज़्यादा उड़ते और नहीं असू च उड़ते, फिर वो बंदा उन्होंने रोक लेता जेठ ले, जिमें जिमें अपना नगद निकलता है, एक कबूतर बहुत अच्छा निकल आता है, बस असं उन्होंने रख लिया जेठ ले, या कबूतर दरम्यान ने उन्होंने असू ली रख ली, जो कबूतर तो अच्छे घट होंगे ने वो असी अपने वसाख ली रख लेंगे, ऐसे कबूतर बाद हैगी जो कबूतर निकलता आता बंदा कढ़ लें। इंज कबूतरबाजी, यह कबूतरबाजी ऐसी है, मौसम च नाल चलना पैंदा, दाना पानी अपना करना पैंदा, उन्ना कबूतरबाजी गल्लां दा कबूतरबाजी कोई हिम्मत नाल हिम्मत उड़ा के दिमाग दा काम है, कबूतर उड़ाना ही यही फन है, कबूतर संभालना ते ओदी खिदमत करना इन्ना कोई काम है, कोई गल नहीं, कबूतर चंगा ही उड़दा, चंगा ही उड़दा। सर जी, तुहाडी बहुत शुक्रिया सर जी, तुसीं इह सवाल दा जवाब दित्ता, तुसीं टाइम दित्ता, खास करके तुहाडी बड़ी मेहरबानी। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਸਾ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ 36 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 36 ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਨਰਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਫੜੋ, ਉਹ ਕੋਲ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨ ਦੇਵੇ, ਫਨ ਇਹ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈ ਉਹ ਦੌੜਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਰੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੋਸਤੋ ਸਭੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲਾਤ ਮੁਸੇ ਕੀਏ ਗਏ ਥੇ ਨਾ, ਤੋ ਵੋ ਯੇ ਗੋਲ ਪਰ ਗੋਲ ਪਰ ਕਾ ਔਰ ਲੰਬੇ ਪਰ ਕਾ ਯੇ ਇਸਕਾ ਥਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਯੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥਾ ਕਿ ਕੌਨ ਸਾ ਕਬੂਤਰ ਹਮੇ ਗਰਮੀ ਮੇ ਉਡਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਕੌਨ ਸਾ ਹਮੇ ਵਸਾਖ ਮੇ ਉਡਾਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੇ ਹਮਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮਾਲੂਮ ਕੀਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਯੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੇ ਟਾਈਮ ਲੇਂਗੇ। तो उस्ताद जी का बहुत शुक्रिया, उस्ताद जी ने हमारे लिए देखें चाहे पानी का बंदोबस्त किया, तो उस्ताद जी का बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, पाकिस्तान जिंदाबाद।